नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले राहुल गांधी ने मंगलवार को हैदराबाद में चार मीनार के सामने तिरंगा फहराया है। इस दौरान उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी को याद किया है। उन्होंने ट्वीट किया, 32 साल पहले पापा ने चार मीनार से सद्भावना यात्रा की शुरुआत की थी। भारत की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। सद्भावना मानवता का सबसे अनुपम मूल्य है और मैं और कांग्रेस पार्टी इसे किसी विभाजनकारी ताकत के सामने टूटने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने तेलंगाना सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा था कि देश में सबसे ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली में है, लेकिन पता चला कि हैदराबाद नंबर वन है। और उन्होंने कहा कि जब से यहाँ TRS की सरकार है, यहाँ सड़क कम है, गड्ढे ज़्यादा हैं। उन्होंने ये भी कहा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष MK Stalin से भेंट करने और लोकसभा चुनाव 2022 पर ही चर्चा करने की संभावना है। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि CM बनर्जी बुधवार को चेन्नई दौरे पर जाएंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल L Ganesan ने उन्हें 3 नवंबर को अपने बड़े भाई के जन्मदिन पर आमंत्रित किया है। 2 नवंबर को चेन्नई पहुंचने के बाद CM बनर्जी द्रमुक अध्यक्ष स्टालिन से उनके कैंप ऑफिस में ही मुलाकात कर सकती हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। उन्होंने बताया है कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो तमिलनाडु के कई शीर्ष नेताओं से ही मिल भी सकती है, जिनके गणेशन के पारिवारिक कार्यक्रम में पहुंचने की संभावना है। इधर बैठक के परिणाम पर आशंका जताते हुए विपक्षी दल के नेताओं ने अस्थायी राज्यपाल के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए करदाताओं के पैसों से बनर्जी के चेन्नई जाने पर सवाल उठाया है। मालूम हो कि राजग द्वारा जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किए जाने के बाद ही 18 जुलाई 2022 से ही L Ganesan के पास मणिपुर के पास साथ साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का भी प्रभार है। और पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ही बनर्जी के दौरे को लेकर भारतीय राजनीति में अपनी खराब हुई साख को बहाल करने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि मुझे वजह समझ नहीं आती है कि CM ममता राज्यपाल के परिवार में किसी की जन्मदिन पार्टी के लिए चेन्नई क्यों जा रही हैं। मुझे लगता है कि ये केंद्र सरकार के साथ संबंधों को सुधारने का तरीका है, इस संबंध को सुधारने का तरीका है, ऐसा बोल रहे हैं वो। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ताकि पश्चिम बंगाल को फिर से जगदीप धनखड़ जैसा राज्यपाल ना मिले। गुजरात के मोरबी में ही मच्छू नदी पर बने केबल पुल के टूटने से ही 134 लोगों की मौत पर ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। ओवैसी ने कहा है कि हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले में न्याय किया जाए और साथ ही पुलिस को असली अपराधी को गिरफ्तार करना चाहिए। वहीं ओवैसी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा, आशा है उन्होंने हैदराबाद शहर की ही मिश्रित संस्कृति देखी होगी, उन्होंने चार मीनार का चूड़ी बाजार देखा होगा। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हैदराबाद में है और उन्होंने मंगलवार को चार मीनार के सामने तिरंगा फहराया था। और करीब 32 साल पहले उनके पिता और तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष राजीव गांधी ने भी उसी स्थान से सद्भावना यात्रा की शुरुआत की थी। ओवैसी ने कहा कि असली मुद्दों को भटकाने के लिए ही BJP UCC का मुद्दा उठा रही है। बता दें आपको कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कई राज्यों में लागू कर दिए गए हैं और गुजरात चुनाव से पहले BJP इसे यहाँ भी लागू करना चाहती है। समान नागरिक संहिता या समान आचार संहिता का अर्थ एक पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर कानून होता है, जो सभी पंथ के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून ना होना ही समान नागरिक संहिता का मूल भावना है।
देश की राजधानी में बढ़ते प्रदूषण से हालात गंभीर है। एनसीआर में पराली जलाने के कारण वायु प्रदूषण में वृद्धि के बीच ही स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से तेजी देखी जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस से पीड़ित बच्चों और बुजुर्गों बड़ी संख्या में अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और कुछ मामलों में ही जटिलताओं के कारण भर्ती भी हो रहे हैं। बच्चों में फिर देखा जा रहा है अस्थमा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बता दें आपको कि दिल्ली के एक निजी अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ने कहा है कि प्रदूषण हवा के चलते ही सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों को है और सांस की बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या में 25% की बढ़त हुई है। इसका सीधा मतलब है कि ओपीडी के कफ या ब्रोंकाइटिस की दिक्कत को लेकर ही आने वाला हर चौथा और पांचवा मरीज सांस की बीमारी से पीड़ित है। पूरे 2 साल बाद बच्चों में अस्थमा की परेशानी एक बार फिर से देखने को मिल रही है और कोविड के कारण पिछले 2 सालों में लॉकडाउन के दौरान हवा की गुणवत्ता बेहतर हुई थी, लेकिन अब हवा में प्रदूषण से दमा के मरीजों में परेशानी देखने को मिल रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सांस की बीमारियों से पीड़ित बच्चों और बुजुर्गों को इस समय घर के भीतर ही रहना चाहिए। तमिलनाडु के कई शहरों में बीते 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है और राजधानी चेन्नई में मंगलवार पूरी रात बारिश हुई है। इससे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और 2 लोगों की मौत होने की भी खबर सामने आई है। आज चेन्नई समेत राज्य के कई जिलों में ही स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। आपको बता दें कि उधर भारत में पहाड़ी इलाकों में भी मौसम बदलने लगा है और जम्मू कश्मीर में मंगलवार को बदले मौसम के बीच कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हुई है। चेन्नई के अशोक नगर, के नगर समेत ही अनेक इलाकों में जलमग्न हो गए हैं। निचले इलाकों की कई घरों में पानी भी भर गया है। सोमवार और मंगलवार को शहर में भारी बारिश हुई है और आज आपको बता दें कि भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। तमिलनाडु के ही एम के स्टालिन आज बैठक कर हालात का समीक्षा करने वाले हैं। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शहर के अनेक इलाकों में हालात का जायजा भी लिया है। मौसम विभाग ने बारिश का सिलसिला जारी रहने का भी अनुमान जताया है। बताते चले आपको कि तमिलनाडु के कई शहरों में भारी बारिश के कारण चेन्नई, रानीपेट और तिरुवल्लुपुर में भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, जबकि वेल्लोर और कांजीपुरम और इसके साथ ही आपको बता दें कि चैगलपट्टू में स्कूल बंद रहेंगे। और चेन्नई में मंगलवार को 8 सेंटीमीटर बारिश हुई, जो कि पिछले 30 सालों में सबसे ज़्यादा है और रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 72 सालों में ये तीसरा मौका है जब अक्टूबर में इतनी बारिश हुई है। श्रीनगर, लेह और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो जिला पर बर्फबारी हुई है, विश्व विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग के साथ सिंथम और टॉप और इसके साथ ही द्रास, मीना मर्ग और राजदान पास आदि पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ गिरी है। बताते चले आपको कि निजी मौसम एजेंसी के अनुसार बताया जा रहा है कि पश्चिमी हिमालय के ऊपर ही पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और एक और पश्चिमी विक्षोभ 4 नवंबर तक जम्मू कश्मीर में पहुंच सकता है। इसका असर उत्तर भारत के मौसम पर पड़ेगा और कई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पूर्वोत्तर मानसून सक्रिय रहा। तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और इसके साथ ही आपको बता दें कि मुजफ्फराबाद में भी हल्की बारिश और हिमपात हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।